तीनों लवर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लवर हम दोनों लवर हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ है। गोत्र मिल गया तो गोत्रो नहीं मालूम है। महल दिखाओ महल। हाँ यहाँ कादो ना होगल के पत्थर दिया है ना तो आपको महल दिखाते हैं। मेरा सिमर जी जैसा फोन नहीं है कि डायरेक्ट बैक हो जाएगा, मेरे को पहले बंद करना पड़ता है फिर बैक करना पड़ता है। यूट्यूब फैमिली गुड मॉर्निंग आप सभी को, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग मॉर्निंग का टाइम में हम लोग उठ चुके थे 6 बजे और उसके बाद ब्रश किए, फ्रेश हुए, नहाए धोए और उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं रेडी होके। आज कुछ अच्छा जगह जाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को ब्लॉग में। तो मतलब जो नहीं देखी है हम लोग की पब्लिक, जो देखी है देखी ना वो नहीं देता है सुनना चाहिए। जो आप लोग नहीं देखे वो जगह जाके दिखाएंगे। और हम दोनों कैसे लग रहे कमेंट करके बताना, क्योंकि आज हम लोग पहने पर्पल और दीदी इधर आगे में देख सकते हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग हम लोग का आउटफिट को देख के बताइएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, मतलब बस में बैठ के आए हैं, पूरा 1 घंटा सफ़र किए हैं, उसके बाद अभी उतरे हैं। तो बस में थोड़ा मेरे को मतलब अकबकी लग रहा था, अजीब लग रहा था। तो हम पीछे साइड मतलब पीछे सीट में बैठे थे, मेरे सर को ज़्यादा दर्द दे रहा था। और हम लोग कहाँ आए हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ज़्यादा वेट नहीं कर रहे थे। हम लोग आए हैं काली घाट, यहाँ का सबसे फेमस मतलब बड़ा अच्छा जगह। और यहाँ पर पुल देख रहे हैं आप लोग, ऊपर में मेट्रो चलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ बन रहा है शायद मेट्रो का, ये नया नया ही बन रहा है। तो अभी चलो चलते हैं हम लोग काली घाट और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है यहाँ का काली घाट। चलो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने, यहाँ छोटे छोटे दुकान सब भी है और सब कुछ है। तो आप लोग को मैं आगे दिखाऊंगी, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। चलो चलते हैं। सभी हम लोग मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं और ये रहा हम लोग का प्रसादी, तो धूल टोकरी वगैरह हम लोग को पंडित जी ले जाएंगे पूजा करने के लिए। और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, अंदर ब्लॉग नहीं बना पाएंगे। बस जो देखेंगे वही आके आप लोगों को रिटर्न मतलब बताएंगे कि कैसा है क्या है देखने में। हम तीनों लवर यहाँ पर बैठे हुए हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ है। अगर तुम दोनों को गोत्र मिल गया तो गोत्र नहीं मालूम है। हम लोग का पूजा हो चुका है फ्रेंड, और अभी हम लोग पूजा करके बाहर निकल चुके हैं। बाहर में मतलब यहाँ पे अलाव है, यहाँ से अंदर अगर जाइएगा तो अलाव नहीं है मोबाइल चलाना। तो हम पूजा कर लिए फ्रेंड, और यहाँ का कथा आप लोग अगर जानते तो मुझे भी बताइएगा फ्रेंड। बोलते हैं माता काली इसमें नहा के, इस मतलब कुंड में नहा के वो इस मंदिर में है। अंदर में बहुत अच्छा है फ्रेंड, अंदर जाने से मतलब एकदम शांति वाला फील होता है, एकदम रिलैक्स फील होता है। 5 ऐसा लगता है कुछ मिनट के लिए हम लोग जब तक वहाँ रहते हैं कि मतलब खो जाते हैं, ऐसा लगता है मार के पूरा खो जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग अभी आगे कहाँ जाने वाले हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। चलिए अच्छी बात है कि हम लोग आज दर्शन करने आए हैं, और दर्शन करने आए तो बारिश नहीं हो रहा ना, अच्छा है ना। फोटो खींच दो, बारिश नहीं हो रहा है मंदिर के साथ, क्या चीज़ का हंसी आ रहा है इतना। तो चलो फ्रेंड हम लोग चलते हैं और आप लोग देख लीजिए मंदिर, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कभी आइएगा अगर कोलकाता आइएगा तो, या कोलकाता से है जो घूमे हैं तो बताइएगा कैसा लगता है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से आगे। तो हम लोग फिर मंदिर से बाहर निकल गए और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा पिल्लर और उसमें घंटी सब बंधा हुआ है। तो हम लोग जा रहे थे बाहर के नाश्ता करने। तो अभी हम लोग नाश्ता में कचौड़ी कचौड़ी सब्जी खा रहे हैं, यहाँ पे बहुत टेस्टी लग रहा है। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम तो यहाँ खा रहे हैं, इतना सॉफ्ट कचौड़ी सब कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं है। हाँ तो मेरा पसंद है। हम लोग इधर बैठे हैं, ये सिंगल कैसे लगा बताओ। अच्छा लगा। तो चलो हम लोग खाते हैं फिर नाश्ते में। आज का हम लोग का कचौड़ी सब्जी, आप लोग क्या किए वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं फल फ्रूट दुकान में, और यहाँ पे अभी फल मतलब केला ले रहा है सोमनाथ भैया,
और अमृत लिया सिमल जी, तो अभी देख सकते कितना ताज़ा ताज़ा फल है यहाँ पे, जो भी आइएगा जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छा ताज़ा ताज़ा है। इधर भी तरबूज अगर मैंने ली, और अभी हम लोग जा रहे हैं, उधर पंडाल बन रहा है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? विक्टोरिया। हाँ विक्टोरिया जा रहे हैं, पंडाल बन रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इधर बाकी सब अमरुद खा रहे हैं। हम लोग बस से उतरे और अभी हम लोग आ चुके हैं रानी विक्टोरिया घूमने के लिए आए हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बारिश में पूरा भींगे, बारिश देखिए पूरा बारिश हुआ है। इतना ज़्यादा धूप दे रहा था ना, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, और अभी तुरंत इतना ज़्यादा बारिश कर दिया है, पूरा चिटचिट हो गया है यार। और आप लोग को ये दिखाते हैं पट्टे दिखाते हैं, इसमें पुराने ज़माने का ट्रेन सब चलता था पहले, और घोड़ा सब भी है। चलो हम लोग चलते हैं रानी विक्टोरिया की महल में, और आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग मेरा घोड़ा, मेरा महल नहीं, रानी विक्टोरिया का महल देखिएगा, ठीक है? तो चलो चलते हैं। आज एक दिन में हम आप लोगों को मंदिर का भी दर्शन करा दिया, और मंदिर भी गए थे, और रानी विक्टोरिया भी जा रहे हैं, और पीछे पता नहीं क्या जो भी है, चलो चलते हैं। कि अंग्रेज के ज़माने का यहाँ अंग्रेज लोग तो नहीं है, पर कुछ कुछ चीज़ें यादें यहाँ पे अभी भी है। तो जैसे कि ये तो हम लोग का हर जगह पे मिल जाएगा, बट यहाँ अंग्रेज मतलब जैसे कि अंग्रेज में अंग्रेज में अंग्रेज लोग जिस तरीके से रहते थे, महाराजा रानी जैसे, उस तरीके से बताऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई चक्कर है इतना बड़ा, और वहाँ पर आगे में बहुत कुछ है दिखाने के लिए आपको दिखाएंगे। मैं थक जा रही हूँ बोलते बोलते, थक गई थी मैं इतना में बहुत ज़्यादा। तो चलो एंट्री करते हम लोग रानी विक्टोरिया के महल के मतलब अंदर बाउंड्री के अंदर। तो चलो चलते हैं, देखिए हो रहा, देखिए देखिए ना ये है, और सबसे बड़ा बिल्डिंग है यहाँ का, कोलकाता का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। तो चलो बैक करके दिखाते हैं, देख सकते हैं ये एंट्री मतलब गेट है बड़ा सा, टिकट लेना होता है उसके बाद हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं टिकट लेते हैं। तो यहाँ पे भाभी अभी पानी ली है, और बाकी सब उधर टिकट कटवाने गया है, जा रहा है विक्टोरिया के अंदर जाने की। पानी का बोतल ले लो, अंदर नहीं मिलेगा, ठंडी नॉर्मल, बाकी सब ऐसे लोकेशन है। वो चश्मा देख रहा था उधर, ले वाटर बॉटल जाओ, क्या हुआ दीदी? महल, मेरा नाम मैं जो महल डो है, जो महल है ना मेरा नाम। ओ, तो इसको नाम करने में एक साल लग जाएगा, तब डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा इतना पूरा प्रॉपर्टी का। वेट कर लोगे ना आप? बोले तो नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा, कुत्ता लाना मना है, मतलब जानवर लाना मना है। तो बहुत सुंदर है यहाँ कादो महल, दिखाओ महल। हाँ यहाँ कादो ना वो बोल के पत्थर दिया है ना, तो आपको महल दिखाते हैं। मेरा सिमल जी जैसा फोन नहीं है कि डायरेक्ट बैक हो जाएगा, मेरे को पहले बंद करना पड़ता है फिर बैक करना पड़ता है।